कम है। आप देखेंगे श्री राम के चरित्र में, श्री राम के जीवन में अनेक यात्राओं के, अनेक यात्राओं के प्रसंग आते हैं। एक यात्रा श्री राम की यह है जब महर्षि विश्वामित्र के साथ वे जनकपुर तक की ओर जनकपुर गए थे और जनकपुर से लौटे। दूसरी यात्रा भगवान श्री राम की वह है जब वो अयोध्या से चित्रकूट की ओर गए। श्री राम की तीसरी यात्रा कब है? जब वो चित्रकूट से दंडकारण्य और दंडकारण्य से लंका की ओर गए। और फिर भगवान श्री राम की अंतिम यात्रा तब है जब वो लंका से लौट करके अयोध्या में आते। और आपने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि इन विविध यात्राओं में भगवान श्री राम ने विविध वाहनों का प्रयोग किया। किसी यात्रा में भगवान राम पैदल चले, किसी यात्रा में भगवान राम रथ पर चले, किसी यात्रा को भगवान ने नौका के द्वारा पार की, किसी यात्रा को भगवान ने समुद्र पर सेतु बना करके हनुमान जी की पीठ पर बैठ करके पार किया। और कई भगवान श्री राघवेंद्र ने, जैसा कि अंत में होता है, जब वो लंका विजय करके लौटते हैं तो पुष्प विमान के ऊपर बैठ करके भगवान श्री राम यात्रा करते हैं। ये जो भगवान श्री राम के चरित्र में ये विभिन्न यात्राएं हैं, इन यात्राओं को केवल आप भौगोलिक दृष्टि से ही न पढ़ें, इन यात्राओं के रहस्य पर आप दृष्टि डालें। जीवन में जिस प्रकार की समस्याएं, जिस प्रकार की यात्राएं भगवान श्री राम के समक्ष आई, मानो अगर उन यात्राओं के ठीक ठीक रहस्य को हम और आप समझ सके तो जीवन पथ में चलने की कला का हमें ज्ञान हो जाएगा और हम जीवन पथ को कैसे सरलता से पार करें, जीवन पथ पर चलते हुए हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, कैस का संकेत देने के लिए ही का भगवान श्री राम के चरित्र की ये यात्रा है। पहले आप दोनों यात्राओं के क्रम पर दृष्टि डालेंगे। क्या भगवान श्री राम की जो जनकपुर की यात्रा है और भगवान श्री राम की जो चित्रकूट की यात्रा है, का जनकपुर नगर है और चित्रकूट बने, और जब जनकपुर की भगवान श्री राम ने यात्रा की और जनकपुर की सड़कों पर वे निकले तो जनकपुर की स्त्रियों ने का झोंके से श्री राम के ऊपर पुष्प की पंखड़ियों की वर्षा किया और श्री राम का मार्ग जो था वो फूल की पंखड़ियों से भरा हुआ था। और चित्रकूट के पथ पर जब भगवान श्री राम चले तो चित्रकूट का मार्ग जो था वो फूल की पंखड़ियों से भरा हुआ नहीं था, चित्रकूट का मार्ग कांटों से भरा हुआ था। एक मार्ग, एक यात्रा वो है जो फूलों से भरी हुई है और दूसरी यात्रा वो है जो कांटों से भरी हुई। और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अभिप्राय क्या? ये जीवन पथ में चलते हुए ये जरूरी वस्तुएं हमारे और आपके सामने भी आती है। तभी तो मार्ग इतना सुखद होता है, इतना कोमल होता है कि व्यक्ति का स्वागत होता है, सम्मान होता है, कौन से आनंद की अनुभूति होती है, चारों ओर जय ध्वनि होती है। और कभी जीवन पथ में ऐसी प्रतिकूलता आ जाती है कि जब जनकपुर की यात्रा में भगवान श्री राम गए तो वहां पर उस यात्रा में सीता जी को लेकर के लौटे, सारे भाइयों का विवाह हुआ और उसके पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र का दाह व्यवस्था हुआ और इतने बड़े जुलूस के साथ भगवान राम लौट करके आए। और जब भगवान श्री राम चित्रकूट की ओर गए तो अयोध्या का राज्य उन्होंने खो दिया और राज्य को खो करके भगवान राम विपत्ति भरे मार्ग पर, विपत्ति के पथ पर चल रहे थे। और तब इसका सूत्र क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि जीवन पथ में अगर फूल पर चलना पड़े तो हम कैसे चले, और जीवन पथ पर अगर कांटों में चलना पड़े तो कैसे चले। फूल जो है वो सुख है और कांटे दुख है।
जीवन में अगर सुख आ जाए तो सुख को हम कैसे स्वीकार करें और जीवन में यदि दुख आ गए तो दुख को हम कैसे झेले या कैसे स्वीकार करें। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि उसके जीवन में केवल सुख ही सुख होगा, दुख नहीं आएगा, तो इससे बढ़कर के कोई भ्रांति नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारी जो पौराणिक कथा है समुद्र मंथन की, उसके संकेत पर आपने ध्यान दिया होगा। समुद्र मंथन में संकेत भी किया गया कि देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया अवृत पाने के लिए। यही जीवन का सत्य है। देवता और दैत्य परस्पर विरोधी, देवता हमारे पूज्य हैं और दैत्यों की हम निंदा करते हैं, पर समुद्र मंथन में देवता और दैत्य दोनों जो है एक साथ प्रयत्नशील है, एक साथ जुटे हुए। और इसका अर्थ क्या हुआ कि ये संसार ही समुद्र है और इस संसार के समुद्र में सुख का अमृत पाने के लिए चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो और चाहे कोई व्यक्ति अच्छे से अच्छा क्यों न हो, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे व्यक्ति भी उनके जीवन का लक्ष्य सुख को पाना है। सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील है। पर समुद्र मंथन की कथा से आप परिचित हैं। जब समुद्र मंथन किया गया तो उस समुद्र मंथन में अमृत के पहले विष निकला और जब विष निकला तो सबको बड़ी निराशा हुई कि भगवान ने तो ये कहा था कि समुद्र का मंथन करने पर अमृत निकलेगा, ये तो अमृत के स्थान पर विष निकला है। और तब देवताओं ने भगवान विष्णु को उलाहना दिया कि प्रभु आपने तो ये कहा था कि तुम लोग प्रयत्न करो, समुद्र का मंथन करो, तुम्हें अमृत मिलेगा और अमृत पीकर के तुम अमर हो जाओगे, पर इस समय तो समुद्र से विष की ज्वाला निकल आई। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, पहले विष ही निकलता है, विष निकला हुआ है पर बाद में अमृत निकलेगा। देवताओं ने कहा कि महाराज ये विष की ज्वाला से कोई बचेगा तब ना अमृत पिएगा, आप भी आश्वासन दे रहे हैं। और इसका अभिप्राय क्या कि अच्छे और बुरे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सुख के अमृत को पाने की चेष्टा चल रही, और जब कभी हमारे जीवन में सुख के स्थान पर दुख आ जाता है, प्रतिकूलता आ जाती है, तो हम भगवान को याद क्योंकि उनको लगता है कि हम इतने अच्छे कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मेरे जीवन में तो कम से कम प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए। लेकिन भगवान जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं अमृत के पहले विष निकलेगा, तो इसका अभिप्राय है कि सुख के लिए जब हम प्राप्त करने के लिए चले तो इस सत्य को न भूले कि सुख के साथ साथ दुख का आना अनिवार्य है। और तब कुछ बातें बड़े महत्व के सूत्र थे और आप श्री राम के चरित्र में उसका साक्षात्कार करेंगे। क्या देखिए एक सूत्र को बड़े महत्व का यह है कि जब समुद्र से विष निकला और देवताओं ने पूछा कि इस विष को इस विष से संसार की कैसे रक्षा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम शंकर जी के पास जाओ और शंकर जी ही इस विष को पी सकते। ये पहला सूत्र है। जब हमारे और आपके जीवन में भी कभी दुख का जहर आवे तो शंकर जी के पास जाइए। शंकर जी के पास, शंकर जी कौन? भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। शंकर जी मूर्तिमान विश्वास, और उसका अर्थ ये है कि विष निकलने पर सबसे बड़ी आशंका यह है कि कहीं विश्वास खो न जाए। बहुत से लोगों के जीवन में जब प्रतिकूलता आती है, दुख आता है, तो उनके जीवन में विश्वास दूर चला जाता है, वो अविश्वासी हो जाते हैं, वो संशयाल हो जाते हैं। किंतु रामचरित मानस का संकेत यह है कि मैं न ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में जब दुख आ गए, संकट आ गए, तो भी हमें शिव का आश्रय लेना चाहिए, विश्वास का आश्रय लेना चाहिए। अब देखते हैं ना ये जो सुग्रीव है, सुग्रीव के चरित्र का तत्व क्या है?
सुग्रीव के चरित्र में कितनी प्रतिकूलता आई। कब माली ने राज्य छीन लिया, पत्नी को छीन लिया और देश निकाला दे दिया। और इतना ही नहीं, सुग्रीव बिचारे जहां जहां जाते थे बाली पीछा करता था और उन्हें वहां पर भी मिटाने के लिए प्रयत्नशील था। पर इतनी प्रतिकूलताओं में भी सुग्रीव के जीवन में जो सुग्रीव की रक्षा हुई, उस रक्षा का सूत्र क्या है और रक्षा कैसे हुई, और उसका उत्तर यही है कि आप ये सूत्र पाते हैं कि उस प्रतिकूलता में भी हनुमान जी सुग्रीव के निरंतर साथ थे। और हनुमान जी के विषय में आप जानते हैं, हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है। उसका अर्थ यह है कि प्रतिकूलता के आने के बाद भी सुग्रीव के जीवन में विश्वास नहीं गया, बल्कि विश्वास पर ही उनका विश्वास था। इसीलिए एक और उनके मन में आतंक था, भय था, पर आतंक और भय होते हुए भी जिस वस्तु के द्वारा उनकी रक्षा हो गई, होती रही, वो हनुमान जी ही है। और उसका अभिप्राय यह है कि सब कुछ खो जाने के बाद भी अगर हमारे जीवन में भगवान के प्रति विश्वास बना हुआ है तो कोई भी वस्तु जो है फिर से हमें प्राप्त हो जाती है। ये सोचते भगवान विष्णु ने जब ये कहा कि विष्णु शंकर जी पिए, तब शंकर जी ने कैसे किया, बहुत सुंदर सोच आता है। जब देवताओं ने जाकर के कहा कि महाराज आप ये समुद्र से विष निकला है, आप इसे पी लीजिए, तो शंकर जी ने मुस्कुरा करके पूछा ये विष ले भेजा किसने, बस बहुत बढ़िया बात। और उत्तर मिला कि विष को विष्णु भगवान ने भेजा है। शंकर जी नाच नहीं होंगे, बोले उन्होंने भेजा होगा तो विष भेजे नहीं होगा, वो विष में भी अमृत छिपा होगा तो लोग पहचान नहीं पाए। और इसका अर्थ क्या होगा कि जब दुख आ गए तो ये पता लगाइए, विश्वास अगर शंकर जी है तो ये पता लगाइए कि दुख किसने भेजा, दुख के मूल में कौन। दुख जब दुख आता है तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि सामने आए किसी व्यक्ति को ही निमित्त बना लेते हैं और ये मानते हैं कि इसी व्यक्ति ने मुझे दुख दे दिया। और जब हम सामने वाले को देखते हैं किसी व्यक्ति ने दुख दिया तो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, बदला लेने की वृत्ति उत्पन्न होती है। और इस तरह से दुख तो था ही, द्वेष और आ गया, बदला लेने की हिंसा की वृत्ति और आ गई, और इस तरह से हमारे दुख का बोझ बढ़ गया। किंतु अगर दुख आने पर ये विश्वास हो जाए कि दुख के मूल में भी भगवान का हाथ, बस ये बहुत बढ़िया सूत्र है। जब देख ले कि दुख के पीछे किसका हाथ, तो भगवान श्री राम के सामने भी तो यही प्रश्न था। क्या भगवान श्री राम ने को आज्ञा दी गई बन जाने की, तो बन जाना क्या है, राम राज्य का अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले थे तो मानो अमृत था। और व्यवहार की भाषा में कहें तो राज्य छिन गया, बन जाने के लिए कह गया जो विष निकल है। पर भगवान राम इतने प्रसन्न होकर के बन गए, आश्चर्य हुआ लोगों को, क्या कि किसी को देश निकाला दे दिया जाए, किसी को बल दे दिया जाए, तो क्या वो इतना प्रसन्न होकर के रह सकता है। भगवान राम से किसी ने पूछा आप बल जाने में इतने प्रसन्न क्यों, प्रभु ने कहा कि पहले ये तो पता लगाओ कि बल मुझे भेजा किसने, मेरी मां ने भेजा, और मां से बढ़कर के तो स्नेह करने वाला कोई होते ही नहीं। तो जब मेरी मां ने मुझे बल दिया है तो मेरी मां को जो भी करेगी वो मेरे हित के लिए ही करेगी, और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है, पर हमारे मां का हृदय इतना उदार है, इतना विशाल है कि उन्होंने मेरे मुंडन मिलन विषय से बल सबल भात हित में राज्य की प्राप्ति में सुख हो सकता है पर हित नहीं है। और मां ने जो बल दिया है वो सुख के स्थान पर उन्होंने हित को महत्व दिया है। और बार बार प्रभु यही कहते थे कि मां आपने
आपने जब बन दिया है तो इससे बढ़कर के मेरे लिए मुर्गन मिलन विशेष बन सबई भांति तमोर तेरी मन पुत्र आये सुधर और सम्मति जननी तो माँ तुम्हारी सम्मति मेरे लिए इससे बढ़कर के संतोष की कोई बात नहीं।